हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं केमनो वाटर पार्क, जो कि हम तीन और एक बंदा है वहाँ से भी पिकअप करेंगे। दो बाइक में जाने वाले हैं, लगभग 28 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि गूगल मैप पे दिखा रहा है 40 मिनट में तय होएगा, बट हम जल्द से जल्द उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी चलते सीधा बाइक राइड पे बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए अभी देखते हैं बाइक में जाने वाले ये दो, एक हंक है और एक पल्सर है, और 28 किलोमीटर दूर है। अभी जैसे चप्पल पहन के, चप्पल वहाँ पे अच्छा रहेगा, अभी देखते हैं कौन सा तगड़ा बाइक। और ये एक्स यूट्यूबर साहब किस्मत है, अभी मजा आएगा ना वीडियो। लेट्स गो। क्यों आए थे हम घर पे मोबाइल लेने को? तो मोबाइल लेने के लिए आया था, बट उसका घर बंद है। अफसोस। अभी यू टर्न फिर से, एंड अभी रिसेंटली हमें यहाँ पर अभी सांप दिखा है, ऐसा भाग रहा था। तो अभी राइट स्टार्ट विद हेलमेट, क्योंकि हेलमेट यहाँ पे बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी सेकंड, बस क्या, बस डर, सेफ्टी से पहले डर, पुलिस का डर। बाइक चेंज कर लिया है क्योंकि यहाँ पे एक भाई को वीडियो निकालने का था अपने फ्रेंड के साथ, तो इसीलिए अभी ये वाले भाई के साथ। तो सभी हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके हैं, हाईवे में बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बन रहा था, एंड जो जिसके लिए हम दो लोग के लिए रुके थे वो हम लोग से आगे पहुंच गए। अब उन लोग को ओवरटेक मारना पड़ेगा, क्या होती दोस्तों। अभी हम पहुंच गए केमनो, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कार पार्किंग रिजर्व और केमनो रिवर साइड, एंड यहाँ पे अभी हम पार्किंग कर चुके हैं। यहाँ पे एक सीन है, अगर सामने और एक पार्टी है और एक यहाँ पे अलग अलग दोनों का कंपटीशन चलते रहता है। उस दिन हम लोग गए थे तो उस पार, अगर आप कार या बाइक पार्क करके वहां पर अगर जाते हो तो आपको पार्किंग का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप पार्किंग करके यहाँ का ही अगर राइड लेते हो तो आपको पार्किंग नहीं है, तो आपको पार्किंग मिलेगा अगर यहाँ पर ही रखे, अगर ये वाले के पास जाते हो तो। अगर वहां पर जाए तो वहां पर ही आपको कार पार्क करना पड़ेगा। हम पूछ गए, अभी हम जा रहे हैं रास्ते पे, हम चार लोग दो बोट करके जाएंगे, बस फुल रहेंगे हर बोट, हमें ये लगेंगे वाड़ा वो फाड़ा है भैया। तो ये वाली साइड जो है यहाँ पे शायद से छोटे लोग के लिए रहेगा, या फिर जिसको पानी का डर है, क्योंकि यहाँ पे पानी का विड्थ बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी है छोटे लोग के लिए, शायद से ये यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पे जो है नजारा, और वहाँ पे जो है वो हैंगिंग ब्रिज है, ये हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप फोटो शूट करते, छोटा मोटा ब्रिज है। हाँ ब्रिज,
अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोला? क्या बोला वो जो जरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ मेरे ऑडियंस को। वो बोला कि पर पर्सन 50, 2% 100, पेमेंट जाके आने के बाद। ओके, टाइमिंग नहीं पता है ना? टाइमिंग नहीं, टाइमिंग नहीं पता दोस्तों, तो अभी आप कितना भी ले सकते हो। तो चप्पल भी यहाँ पे रखना पड़ता है। निकालना थे बोला सुने? नहीं निकालने गए हम रेडी हो रहे बंदूक। अरे डालते भाई रुको, पेट अंदर करने अच्छा है। लेट्स गो। क्या तुम्हें बैग के पास जाना? मैं बैग के पास पैंट टाइप कर रहे थे, डर को पैंट लूज गया थी। मोबाइल लेके जाता नहीं भाई, थोड़ा बताओ ना। बताएगा रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं कर रहा। पेडल ऐसे ही रहने, इससे भी नहीं इससे भी नहीं, स्ट्रेट रहने। आगे जाने टाइम में डिप करके पीछा पड़ेगा, एक राइट एक लेफ्ट किया तो बोट स्ट्रेट जाएगा। कंटिन्यू राइट में रो किया तो बोट लेफ्ट में घूमेगा, लेफ्ट में किया तो राइट साइड घूमेगा। अगर कहीं भी रुकना है तो ऑफ डिप ऑफ रुक जाएगा, रिवर्स राइट सब लगेगा ना, सब रिवर्स। ठीक है, डेड एंड वो है, फ्लैग दिख रहा है ना? अच्छा वहां तक जाने का लास्ट है, इधर ब्लू बोट है वो लास्ट है लेफ्ट साइड। ब्लू चेक मत करना। ठीक, तो अभी हम चालू है, ज्यादा थका नहीं क्योंकि पीछे वाले ड्राइवर को आ रहा नहीं चलाने को, यहाँ पे अपने आप ही चल रही है। एंड वहाँ पे एक नजारा है, वहां से जाके गुजरेंगे। एंड यहाँ पे भीड़ तो आज बहुत है क्योंकि संडे है। उस दिन हम लोग फ्राइडे आए तो कुछ भी भीड़ ही नहीं था, सबसे फर्स्ट अपन ही थे। आइस रिवर्स लो, रिवर्स लो, उल्टा चला, खुद ही उल्टा हो गया। उसमें देखो, उसमें ना 100 रुपए, उसमें बैठने का है तो वो 100 रुपए पूरा ये आइलैंड का चक्कर लगाता है। उन लोग किधर, उन लोग के पास जाते आप यहाँ पे रेसिंग भी लगा सकते हो दोस्त लोग के साथ आके, ठीक है, बहुत मजा आता है। अच्छा भीड़ भीड़ नहीं पसंद ज्यादा तो नॉन वीकऑफ डेज में आओ, या मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे तक भी कभी भी आओ, ज्यादा उतनी गर्दी नहीं मिली, बट सैटरडे संडे को बहुत मिल जाता है आपको गर्दी। ये है ब्लैक वाटर का सीन के मनु में, और ये लेफ्ट मुड़ रहे हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर देते हुए। बोटिंग में एक है, इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, कहाँ पे भी ले सकते हो। जो नजारा ऊपर का हो, सुकून। तो दोस्तों वो है अपना हैंगिंग ब्रिज, ठीक है, लटकता हुआ ब्रिज, और ये है बोटिंग वोटिंग, और यहाँ पे भी आप राउंड लगा सकते हो। इस पे 100 रुपीज है पर हेड, ये पूरे आइलैंड का चक्कर मार के आएगा वो वाले बोट पे। एंड 500 रुपीज उसके लिए, एक 5-7 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, वो आइलैंड का आपको पर हेड 500 रुपए
मिलेगा एंड वहाँ पे आपको एक घंटा का तक सफर मिल जाएगा आने जाने का मिला के, एंड वहाँ पे 15-20 मिनट रुकने को भी मिलेगा। वहाँ पे आपको फोटो वोटो क्लिक कर सकते हो एंड वहाँ पे आप दे सकते हो 500 रुपीज पर पर्सन, ठीक है। वो एक घंटे तक लगभग राइड मिल जाता है आपको। और ये है 50 रुपीज वाला राइड, ठीक है, जो आपको बोटिंग मिलता है। आपको दो लोग बैठ सकते हैं या फिर सिंगल पर्सन भी बैठ सकते हैं। इल्ली बा ये सब थोड़ा बहुत सीन चश्मा था हाँ। किधर से? मुंबई से। चैनल का नाम? मोबाइल की दुनिया। मोबाइल की दुनिया, हाँ। उसका सेकंड चैनल पे भेज जाएगा, फर्स्ट व्लॉग पे डालूंगा। हमारा आएगा ना व्लॉग? जरूर जरूर, आपका तो जरूर डालूंगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है। हाँ, आपका नाम कौन सा है? ओह अच्छा, वो बैन हुआ? अच्छा अच्छा, पता है मेरे को, नोटिस आया था, मेरे को न्यूज में मिला था। कुछ भी जो कि फुल पलटन से भरी चुकी है, हलने को भी जगह नहीं है। यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज का भी नजारा, जाके आगे गए नहीं, जाले में खाएंगे हम अभी। क्या खाएंगे? पैसे ढील लेकर खाना बस खाना। अभी वक्त है फिलहाल ब्लॉग को एंड करने का। अभी हम बोटिंग भी कर चुके हैं, हैंगिंग ब्रिज में भी जा चुके हैं। बताया ना आप लोगों को 50 रुपीज आता और 200 रुपीज का वो पूरा वाला आईलैंड वाला, एंड अगर 500 रुपीज पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट का। ऐसे अगर ऊपर नीचे कभी कभी हो चुके हैं क्योंकि बोर्ड में लिखा था 50 रुपीज और 15 मिनट्स, बट हम लोग कुछ आधा घंटे के भी ऊपर घूमे ना, आधा घंटे के भी ऊपर घूमे, चलो। तो ऐसे आप विजिट कर सकते हो एंड बहुत ही खूबसूरत नजारा भी मिल जाता है एंड चलाने में बहुत मजा आएगा। जिसको भी बोटिंग का शौक है एंड समुन्द्र में, वो एक्चुअली खारा पानी था, समुद्र का पानी था आई थिंक, क्योंकि पूरा खारा खारा ही था पानी, क्योंकि जब भी उड़ते हैं चलाने के टाइम पे पैनल्स तो पाल पड़ा था, मुंह में आ गया था, तो इसीलिए। तो आपको ब्लॉग अच्छी लगी एंड थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी एंड जरा मालूम भी पड़ा होगा कि आपको यहाँ पे भी जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो कितना मस्त जगह है। तो अभी ब्लॉग फिलहाल है, ब्लॉग एंड करेंगे, मैं 3 बार बोल चुका हूँ। तो चलिए भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज लेता था, चलिए बाय।